हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ए थिन लेंस। आज का जो अपना लेक्चर है वो है पतले लेंस द्वारा विचलन। लेंस, दर्पण, ये अपन ने छोटी क्लासेज में पढ़े हैं और अपन जानते हैं कि लेंस जो होता है उससे प्रकाश का अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी आपतित प्रकाश किरण है वो लेंस के ऊपर गिरती है, तो वो लेंस से अपवर्तन के बाद में प्रकाश किरण है वो विचलित हो जाती है, तो उसको बोलते हैं कि लेंस द्वारा विचलन। अपन यहां पर जो लेंस लेंगे वो बिल्कुल थिन लेंस लेंगे, पतला लेंस लेंगे, उससे प्रकाश किरण किस प्रकार से विचलित होगी और कितने कोण से विचलित होगी उसको अपन कहेंगे विचलन कोण। तो विचलन का मतलब ये होता है कि डेविएशन, यानी कोई भी प्रकाश किरण किसी लेंस के ऊपर गिरेगी तो लेंस के ऊपर गिरने अपवर्तन के बाद में वो सीधी नहीं जाएगी, वो अपने पथ से विचलित हो जाएगी। कितने कोण से विचलित होगी उस कोण को कहेंगे विचलन कोण। तो काफी इजी टॉपिक है, इसको अपन बोल सकते हैं कि पतले लेंस द्वारा जो विचलन है वो किस प्रकार से होता है, यानी एक आपतित प्रकाश किरण और अपवर्तित प्रकाश किरण के बीच में जितना भी कोण बनेगा वो विचलन कोण कहलाता है। यानी अपन इसको लिख सकते हैं आपतित प्रकाश किरण तथा अपवर्तित प्रकाश किरण, लेंस से अपवर्तन जो होगा उसके बाद की जो किरण है वो अपवर्तित प्रकाश किरण के मध्य बनने वाला कोण विचलन कोण कहलाता है। यानी आपतित प्रकाश किरण तथा अपवर्तित प्रकाश किरण के मध्य बनने वाला कोण विचलन कोण कहलाता है। डायग्राम से अच्छे से समझ में आ जाएगा, डेफिनेशन में क्या लिखना, आपतित प्रकाश किरण और अपवर्तित जो प्रकाश किरण है उसके बीच में जितना भी कोण बनेगा वो विचलन कोण कहलाता है। यानी इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, यानी इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड जो रे है उसके बीच में जो एंगल बनेगा उसको अपन बोलेंगे डेविएशन एंगल। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे इज नोन एज डेविएशन एंगल। यानी अपन क्या बोल सकते हैं, आपतित प्रकाश किरण तथा अपवर्तित प्रकाश किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको अपन विचलन कोण कहते हैं। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे इज नोन एज डेविएशन एंगल या एंगल ऑफ डेविएशन। तो सबसे पहले अपन लेंगे इसमें एक पतला लेंस, उस पतले लेंस की फोकस दूरी मानेंगे अपन एफ। तो यहां पर अपन एक पतला लेंस लेते हैं, ये अपने पास कोई थिन लेंस है, पतला लेंस है। ये इस लेंस की मुख्य अक्ष है, और इस लेंस की जो हाइट है वो अपन मान लेते हैं h।
एच फॉर हाइट ऑफ द लेंस, और इसका जो ध्रुव है वो अपन मान लेते हैं ओ, इसका जो पोल है वो अपन मान लिया ओ, क्योंकि सारी दूरियां यहीं से मापी जाएंगी। अब अपन क्या करेंगे, ये अपने पास कोई पतला लेंस है, तो सबसे पहले आपको थ्योरी में क्या लिखना है, पहले तो डेफिनेशन लिखनी है, आपतित प्रकाश और अपवर्तित प्रकाश किरण के मध्य बनने वाला कोण विचलन कोण कहलाता है। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्रेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहां पर अपन ने कोई वस्तु रख दी, कोई ऑब्जेक्ट है, उससे निकलने वाली प्रकाश की किरण इस लेंस के ऊपर गिरेगी, तो इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, आपतित प्रकाश किरण। अपने को पता है कि ये सीधा तो जाएगी नहीं, सीधा तो ऐसे जानी चाहिए, लेकिन लेंस से इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा, जो भी प्रकाश की किरण है लेंस के ऊपर गिरेगी तो लेंस उसको अपवर्तित कर देता है, यानी अपने पथ से विचलित होती है प्रकाश किरण, और ये इस प्रकार से जाएगी यहां, इसको बोलते हैं रिफ्रेक्टेड रे, अपवर्तित प्रकाश किरण। ये आपतित प्रकाश किरण लेंस के ऊपर गिरी तो इसका अपवर्तन हुआ, सीधी तो ऐसे जानी चाहिए थी लेकिन इसका अपवर्तन के बाद में यहां से होके जाएगी और यहां पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा, जिसको बोलेंगे आई, आई फॉर इमेज, और इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट ओ। अब बात यह आती है कि दो प्रकाश किरण चाहिए अपने को अपवर्तन या प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए, तो एक प्रकाश की किरण ये है जो बिना अपने पथ से विचलित हुए सीधा गमन कर जाती है, इसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र, लेंस का प्रकाशिक केंद्र। तो यहां पर प्रतिबिंब का निर्माण हुआ, यह जो कोण है यह मान लिया अपन ने अल्फा, और यह जो कोण है यह अपन ने मान लिया बीटा। तो आपतित प्रकाश किरण और अपवर्तित प्रकाश किरण के बीच में बनने वाला कोण, यानी कितने कोण से विचलित हो गई प्रकाश किरण, देखो कितने एंगल से डिफ्लेक्ट हुई। ये आपतित प्रकाश किरण सीधा यहां जानी चाहिए थी, तो मैंने डॉटेड लाइन कर रखी है, लेकिन लेंस ने इसका क्या किया, अपवर्तन किया, और अपवर्तन किया तो ये कितने कोण से झुक गई, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण, और विचलन कोण को लिखते हैं डेल से, इसको क्या बोलते हैं विचलन कोण, डेविएशन एंगल। तो डेफिनेशन में आपको डायग्राम से समझ में भी आ गया कि विचलन कोण कौन सा है, आपतित प्रकाश किरण और अपवर्तित प्रकाश किरण के मध्य बनने वाला कोण विचलन कोण कहलाता है। इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं अपन, इस डेल की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं, थ्योरी में कुछ नहीं लिखना आपको, माना एल एक पतला लेंस है जिसके सामने ओ बिंब रखा हुआ है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात आई बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है, आपतित किरण और अपवर्तित किरण के मध्य विचलन कोण डेल है, यानी आपतित प्रकाश किरण है वो डेल कोण से विचलित होकर नीचे की तरफ चले गई। अब इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन अपन करते हैं, तो यहां पर देखो इस पॉइंट को कोई नाम देते हैं अपन, जैसे इस पॉइंट को नाम दे दिया ए, तो त्रिभुज ओ ए आई, त्रिभुज ओ ए आई इन ट्राइंगल ओ ए आई, देखो डेल जो है वो बाह्य कोण है, एक्सटर्नल एंगल है, और अल्फा और बीटा इसमें आंतरिक कोण है, इंटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है और ये इंटीरियर एंगल है। तो अपने को पता है कि कोई भी त्रिभुज है उसमें बाह्य कोण अंदर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, यानी एक्सटीरियर जो एंगल है वो दोनों इंटीरियर जो एंगल्स हैं उनके सम के इक्वल होता है। तो मैं डेल बराबर क्या लिखता हूं, अल्फा प्लस बीटा, डेल क्या है विचलन कोण, तो यहां से डेविएशन जो एंगल है डेल इक्वल्स टू क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा, इसको देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। मेन टारगेट अपना यही रहेगा कि अल्फा और बीटा की वैल्यू अपन निकालें और वो इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें, तो किसका मान आ जाएगा, विचलन कोण डेल का मान आ जाएगा। तो इसके लिए अल्फा और बीटा निकालते हैं, तो त्रिभुज है ओ
ये ओ अपने पास दो जगह हो गया, तो इसको कोई और नाम देना पड़ेगा अपने को, ध्रुव को अपन एम कह देते हैं। ओ तो ऑब्जेक्ट हो गया ना, तो ओ ए एम समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इसमें। अल्फा की वैल्यू इस त्रिभुज से निकल जाएगी ओ ए एम से, बीटा की वैल्यू निकल जाएगी आई ए एम से। तो अपन सबसे पहले निकालेंगे वैल्यू टेन अल्फा की, ताकि टेन अल्फा में अल्फा बहुत ही छोटा कोण है तो उसको लग बराबर अल्फा लिख सकते हैं अपन। तो किसकी वैल्यू निकालेंगे अपन, सबसे पहले वे अपन वैल्यू निकालेंगे टेन अल्फा, जो लगभग बराबर होगा किसके, अल्फा के। कौन से त्रिभुज से निकलेगा ये समकोण जो त्रिभुज है ओ ए एम, क्योंकि अल्फा तो इसमें है, तो समकोण त्रिभुज में टेन थीटा का फॉर्मूला लगाएं तो टेन थीटा इक्वल्स टू होता है लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है एच, क्योंकि लेंस की ऊंचाई एच है, और ये जो बिंब से ध्रुव की जो दूरी होती है वो अपने को पता है कितनी है, माइनस यू, और ध्रुव से प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, वी। तो अपने को क्या चाहिए, टेन अल्फा लंब बटा आधार, लंब कितना एच और आधार कितना माइनस यू, तो एच अपॉन माइनस यू। टेन बीटा निकालें तो कौन से ट्राइंगल से, आई ए एम, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, आधार और कर्ण, तो एंड टेन बीटा अपन निकालें तो वो लगभग बराबर मान लेते हैं किसके, बीटा के। तो टेन थीटा बराबर वही लंब बटा आधार, तो लंब कितना इसमें एच और आधार कितना है वी, तो ये कितना हो जाएगा एच बाय वी। अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करेंगे इसमें इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या लिखोगे, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करो, बिल्कुल इजी है। इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज डेविएशन एंगल डेल इक्वल्स टू क्या था अपना, अल्फा प्लस बीटा, यही तो इक्वेशन फर्स्ट, अल्फा और बीटा की वैल्यू लिखे, देन दिस इंप्लाइज डेल इक्वल्स टू अल्फा की वैल्यू है एच बाय माइनस यू प्लस बीटा की वैल्यू है एच अपॉन वी, और दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, एच दोनों में कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा प्लस का लिख देता हूं पहले, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू एक फॉर्मूला है याद करो, 9th-10th क्लास में पढ़ा है, यहां यार वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू लेंस की फोकस दूरी या लेंस सूत्र जिसको बोलते हैं, क्या होता है वन अपॉन एफ, और दर्पण के लिए फॉर्मूला होता है एक दर्पण सूत्र, वो वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इक्वल्स टू वन अपॉन एफ, तो ये कौन सा फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला। तो वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू को क्या लिखते हैं, वन अपॉन एफ, सो डेविएशन एंगल डेल इक्वल्स टू एच, और इसको क्या लिखते हैं, वन अपॉन एफ, वन अपॉन एफ, ये है वैल्यू किसकी, डेविएशन एंगल। तो ये अपना टॉपिक है, पतले लेंस द्वारा विचलन किस प्रकार से होगा, क्या लिखोगे, आपतित प्रकाश किरण तथा अपवर्तित प्रकाश किरण के मध्य बनने वाला कोण विचलन कोण कहलाता है डेल, ट्राइंगल से डेल बराबर लिखते हो अल्फा प्लस बीटा बाह्य कोण दोनों अंदर वाले कोणों के योग के बराबर, अल्फा और बीटा की वैल्यू यहां से निकालेंगे, वो वैल्यू यहां पुट कर देंगे, और इस फॉर्मूले का ध्यान रखना है, थोड़ा सा लेंस फॉर्मूला है जिसको वन अपॉन एफ अपन लिख सकते हैं, तो डेल बराबर एच अपॉन एफ। तो डायरेक्ट आपसे पूछता है कि पतले लेंस द्वारा विचलन कोण में जो विचलन कोण डेल है, पतले लेंस द्वारा विचलन में विचलन कोण किन किन कारकों पर निर्भर करता है, यानी किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, तो हाइट ऑफ एच क्या है, इस लेंस की ऊंचाई, तो लेंस की ऊंचाई के समानुपाती, और एफ फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती,
विचलन कोण के मान में वृद्धि करनी है तो किसको बढ़ाएंगे? लेंस की हाइट को बढ़ाएंगे। तो जितना बड़ा लेंस होगा उतना ही डेविएशन एंगल है वो ज्यादा आएगा। तो डेल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाइट ऑफ द लेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। यानी विचलन कोण लेंस की ऊंचाई के समानुपाती तथा फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, छोटा सा टॉपिक है, इजी टॉपिक है।